हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेल। जो ये टॉपिक है, ये किसी भी एग्जाम में आप देख लेना, इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको मिलेंगे। आप अगर कोई कॉमन पेपर भी दे रहे हैं, अगर वो स्पेसिफिकली आपके इस सब्जेक्ट का नहीं है, साइंस नहीं है, कोई और दे रहे हैं, उसमें जीएस के क्वेश्चंस में भी ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होती है? सेल को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665। किसे? एक कोर्क की स्लाइस से। और कोर्क कहाँ से मिलता है? जो ट्री का बार्क होता है ना, जो वुडी पार्ट, जो ट्री का वुडी पार्ट होता है, उससे कोर्क मिलता है। और जब उन्होंने उस कोर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला। और ये स्ट्रक्चर जब उन्होंने देखा तो उन्हें ध्यान आया कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जो ये हनी कॉम कंपार्टमेंट है, जो मधुमक्खी का छाता होता है, इस तरीके का उन्हें वो कोर्क से स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ये मधुमक्खी के छाते में ये बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस जो बने हुए होते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे बॉक्सेस इस कोर्क में भी देखने को मिले। और उन्होंने इन छोटे छोटे बॉक्सेस का क्या नाम रखा? सेलुला, जो बाद में शॉर्ट होके सेल हो गया। और इसका मतलब क्या है? लिटिल रूम। अब क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हम देखते हैं तो वो किससे बना है? वो सेल से ही मिलके बना है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इनको? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे दीवार को देखते हैं हम, दीवार किनसे मिल मिलके बनी है? ईंटों से मिल मिलके बनी है। ऐसा ही अगर हमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अगर फर्क समझना है, तो लिविंग थिंग्स किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। और इसीलिए इनको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देती है। और जो भी एसेंशियल प्रोसेस होती है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रेशन हो, कोई भी जो एसेंशियल प्रोसेस है, उस किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? सेल्स के द्वारा। अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। हमने ये अभी पढ़ा है कि सेल की डिस्कवरी जो हुई थी वो कहाँ से की गई थी? थिन स्लाइस ऑफ 65। लेकिन जो ये कोर्क था, इसमें जो सेल्स थी वो कौन सी सेल थी? डेड सेल थी, डेड सेल थी। अब जो लिविंग सेल्स थी वो किसने डिस्कवर की थी? वो की थी एवेन, वो डिस्कवर की थी एवेन लुईन हुक ने इन 1674। इन्होंने तालाब के पानी से जो लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। तो ये पूछा जाए, सेल को फर्स्ट टाइम किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल्स को किसने डिस्कवर किया था? एवेन लुईन हुक ने। अब जो सेल में एक पार्ट होता है, जो सेल का पार्ट होता है, न्यूक्लियस, उसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था? जेई परकिंजे ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद करनी है, और ये नाम ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले सेल रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल एवेन लुईन हुक, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, प्रोटोप्लाज्म जेई परकिंजे। अब हम सेल थियरी पढ़ेंगे। सेल थियरी आई, और ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दो जर्मन अब कुछ सेल थियरी आई और वो किसके द्वारा दी गई थी? दो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, एम जे शिल्डन एंड टी शिवेन। इनके द्वारा सेल थियरी दी गई, जिसमें बताया गया कि जो लिविंग बींग्स की बॉडी है वो किसके द्वारा बनी गई है? सेल्स के द्वारा बनी हुई है। जो भी लिविंग बींग्स हैं उनकी बॉडी किसके द्वारा बनी हुई है? सेल्स के द्वारा बनी हुई है। और जो एक्टिविटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या होती है? वो सम टोटल होती है सेल्स की सभी एक्टिविटीज का। अब 1855 में सेल थियरी को मॉडिफाई किया गया रॉबर्ट विरकाउ के द्वारा। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट क्या दी थी? ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये लैटिन में स्टेटमेंट है, और इसका मतलब क्या होता है? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितनी भी सेल्स हैं वो कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से आती हैं? पहले से जो एग्जिस्ट करती हैं सेल, वहीं से मिलती हैं।
अगर हम देखें, जैसे हम कोई भी पौधा लगाते हैं, तो पौधा लगाने के लिए हमें चाहे तो सीड्स चाहिए, वो सीड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? वो किसी पहले पौधे के जो फ्रूट वगैरह होते हैं उसमें सीड्स होते हैं, वहां से मिलते हैं, या फिर हम किसी प्लांट की ही ब्रांच को कट करके, जिसको हम हिंदी में कलम भी बोलते हैं, वो लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हम नई चीज उगा रहे हैं, जो नई सेल्स बन रही हैं, वो कहाँ से आई हैं? जो पहले से ही एग्जिस्ट करती है उन सेल्स से आई है। तो सेल थियरी किनके द्वारा दी गई थी? एमजे शिल्डन एंड टी शिवेन के द्वारा। मॉडिफाई की गई रॉबर्ट विरकाओ के द्वारा। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये किसने बताई थी? रॉबर्ट विरकाओ ने। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के क्या क्या, कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है, सबसे जो मतलब हार्ड कवरिंग होती है ऊपर की। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल की जो कवरिंग होती है, और प्लांट सेल की जो इनर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड भरा हुआ होता है सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म होता है। और सेल ऑर्गेनोल्स, सेल ऑर्गेनोल्स में कौन कौन से आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। अब हम आज सेल ऑर्गेनोल्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेल ऑर्गेनोल्स से। सेल ऑर्गेनोल्स क्या होते हैं? देखो, जो भी एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कौन कराता है? सेल कराती है। अब सेल को सभी एक्टिविटीज कराने के लिए, कुछ जो एक्टिविटीज कराती है उसके लिए जो हेल्प चाहिए होती है। अब जो ये अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये सेल की हेल्प करते हैं एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये एक नेटवर्क होता है टाइनी ट्यूबुलर वसीकल्स एंड सिस्टर्नी स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होते हैं? अब जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसमें कुछ नेटवर्क स्कैटर्ड होते हैं, और वो नेटवर्क में तीन तरीके के स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक तो ये ट्यूब की फॉर्म में स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिनको हम ट्यूबुलर बोलते हैं। सेकंड, ये फोल्डेड मिलते हैं, ये ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर बोलते मिलते हैं जिनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। थर्ड, वेसिकल्स मिलते हैं, मतलब कुछ सैक टाइप मिलता है, कुछ मतलब बैग टाइप स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको वेसिकल्स बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर तीन तरीके का होता है, ट्यूब की फॉर्म में, फोल्डेड पार्ट जिसको सिस्टर्ने बोलते हैं, और वेसिकल्स फॉर्म में। ईआर आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स एंड मेमेलियन एराइथ्रोसाइट्स या आरबीसी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो सभी सेल्स में होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो। किनको छोड़ के? एक तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, एक जो मैमिलियन आरबीसी होती है उनमें नहीं होते। अब ये दो तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनपे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ये सिस्टर्ने दिख रही है, इन पे आपको कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जिनको राइबोसोम्स बोलते हैं, और इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से इनका स्ट्रक्चर रफ होता है। अब जो ये ट्यूबुलर फॉर्म है ये बिल्कुल क्लियर है, और इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। हम अगर सेल के अंदर देखेंगे, ये सेल है, सेल में जो आपको ये नेटवर्क दिख रहा है ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये छोटे छोटे ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है जिनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, और ये कुछ फोल्डेड पार्ट है, और इनपे राइबोसोम्स अटैच हैं। और राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। अब हम इनके फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या फंक्शन प्ले करता है? सबसे पहले फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन सैक कॉल्ड सिस्टर्ने। ये क्या करता है? प्रोटीन को फोल्ड करता है, जो इनके सैक प्रेजेंट होते हैं उनमें, जिनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं।
ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इन वेसिकल्स टू द गोल्जी अपरेटस। और ये क्या काम करता है, ये एक नेटवर्क बनाता है जिसमें से प्रोटीन को क्या करता है, पास करता है किसके पास, गोल्जी अपरेटस के पास। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड बनाते हैं। अब जो ये प्रोटीन और लिपिड होते हैं ये एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, सपोर्टिंग द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। सेल को एक स्ट्रक्चर देता है, सपोर्ट करता है स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाने में। और ये क्या करता है, ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जहां बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज सेल परफॉर्म कर सके, और ये बहुत सारे पॉइजनस एंड ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये फंक्शन हमने देख लिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसपे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। और फिर ये दोनों मिलके क्या बनाने का काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस फर्स्ट किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, कैमिलो गोल्जी के द्वारा। और ये क्या होते हैं, ये डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के नजदीक पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, मैम्ब्रेन बाउंड है, ये मैम्ब्रेन से बंधा हुआ है इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी कैसा है, फिक्स है। अब इसमें क्या होते हैं, फोल्डेड पार्ट भी होता है जिसको सिस्टरने बोलते हैं, ये फोल्डेड पार्ट है जिसको सिस्टरने बोलते हैं। और ये कैसे अरेंज होते हैं, स्टैक के थ्रू एक दूसरे के ऐसे पैरेलल अरेंज होते हैं। ये सभी एनिमल्स एंड प्लांट सेल में मिलते हैं एक्सेप्ट मैमिलियन आरबीसीज। इसके दो फेस होते हैं, एक जो इसका सिस फेस होता है जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, और एक इसका ट्रांस फेस होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो इसीलिए ये एक नेटवर्क का काम करते हैं जहां से ये कोई भी जो मटेरियल है वो सिस फेस से एंटर करेगा जो न्यूक्लियस से आ रहा है, और वो कहाँ से बाहर जाएगा, ट्रांस फेस से बाहर जाएगा। अब इसके फंक्शंस क्या है गोल्जी अपरेटस के, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग मॉडिफाइंग पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड इधर इंट्रा सेलुलर टारगेट और आउटसाइड द सेल। अब ये क्या करते हैं, इसमें इसके दो फेस बताए गए, एक सिस फेस बताया गया है। अब कोई भी मटेरियल जब इसके अंदर एंटर करता है वो कहाँ से एंटर करेगा, सिस फेस से। अब इसके बाद एंटर करने के बाद ये क्या करेंगे, जो मटेरियल है उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करके उसको पैक करके ट्रांस फेस से बाहर निकाल देंगे। वो चाहे तो क्या करेंगे, सेल के ही अंदर जहां पहुंचाना होगा वहां भेज देंगे, या फिर सेल से बाहर उस मटेरियल को भेज देंगे। मटेरियल पैक्ड फ्रॉम ईआर विद सिस फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस एंड मूव टुवर्ड्स ट्रांस फेस। ये हमने डिस्कस कर लिया कि कोई भी मटेरियल कहाँ से आता है, सिस फेस से अंदर आता है, उसमें मॉडिफाई होता है, फिर पैक्ड होता है, और कहाँ से बाहर निकलता है, ट्रांस फेस से। ये इम्पोर्टेंट साइट होती है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने की। अब ये क्या करते हैं, जो सेल वॉल का कंपोनेंट है वो भी गोल्जी अपरेटस में ही सिंथेसाइज होता है। किसके अलावा, सेल वॉल जो सेलुलोज होता है सेल वॉल में, उसके अलावा जो सेल कंपोनेंट है वो किस में सिंथेसाइज होता है, गोल्जी अपरेटस में। कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल सुगर्स बनाई जाती हैं गोल्जी अपरेटस के द्वारा, और लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन भी गोल्जी अपरेटस में ही होती है। नेक्स्ट है लाइजोसोम्स, जिनको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, तो इसको आप स्टार मार्क कर ले, सुसाइड बैग किनको बोला जाता है, लाइजोसोम्स का। अब लाइजोसोम्स क्या होते हैं, स्मॉल स्पेरिकल वेसिकल्स होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होते हैं। ये स्पेरिकल शेप में सैक होते हैं, सैक क्या होते हैं, थैला टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ है इसमें, इसमें एंजाइम्स भरे हुए हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स।
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए गए हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, ये फूड के कॉन्टेक्ट में आके, जब फूड वैक्यूल यहाँ आता है तो ये क्या करता है, लाइजोसोम्स इसके कॉन्टेक्ट में आके, लाइजोसोम्स में जो ये एंजाइम्स होते हैं ये फूड के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको तोड़ के सिंपल सब्सटेंस बनाते हैं, मतलब उसका क्या कर देते हैं, डाइजेशन कर देते हैं, इसीलिए इनको डाइजेस्टिव बैग्स भी कहा जाता है। ये सभी एनिमल सेल में पाए जाते हैं एक्सेप्ट आरबीसी, प्लांट सेल में लाइजोसोम्स नहीं होते हैं। अब लाइजोसोम्स के फंक्शंस क्या हैं? दे हेल्प इन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर, लाइजोसोम्स आर इन्वॉल्व विद वेरियस सेल प्रोसेसेस, कई सारी जो सेल की एक्टिविटी होती है उसमें लाइजोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। दे ब्रेक डाउन एक्सेस और वोन आउट सेल पार्ट, अगर कोई सेल का पार्ट एक्स्ट्रा है या कोई सेल का वोन आउट पार्ट है तो उसको क्या कर देते हैं, ये उसको खत्म कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, मतलब ये डाइजेस्ट कर लेते हैं उनको। दे मे बी यूज टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया, और इनको क्या करते हैं, जो भी वायरस या बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर करता है उनको भी क्या कर लेते हैं, ये खत्म कर देते हैं, इसीलिए इनको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो भी गंदगी होती है, उनको क्लीन करने का काम किनका होता है, लाइजोसोम्स का होता है। और जब सेल डैमेज हो जाती है तो ये खुद फट जाते हैं, और इनसे एंजाइम जो रिलीज होते हैं वो इन्हीं को डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ अ सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ये होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है जो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मिलता है। अब इसमें क्या होता है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये बाहर की मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो फोल्डेड शेप में होती है, ये फोल्ड्स होते हैं उसमें, और इनको क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन फोल्ड को क्रिस्टी कहा जाता है। अब क्या होता है, एक इसमें मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, लिक्विड जो भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, और जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, इस सरफेस को कवर करती है, और इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जिनको हम पोरिंस बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं जो कि लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको क्रिस्टी बोलते हैं, और जो हेल्प करते हैं इनका सरफेस एरिया इंक्रीज करने में। कैसे, देखो जैसे ये फोल्डेड पार्ट है, अगर हम इनको बाहर निकालेंगे और स्ट्रेच करेंगे तो जो ये अंदर की मेम्ब्रेन है ये बाहर की मेम्ब्रेन से बड़ी हो जाएगी, तो जो अंदर का सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है। इनर मेम्ब्रेन का क्यों होता है, क्योंकि ये फोल्डेड फॉर्म में होती है, इस जो ये इनर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्डेड फॉर्म में क्या, क्रिस्टी बनाती है, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो क्या है, इनर मेम्ब्रेन हैज मैनी फोल्ड्स, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जो क्या बनाती है, लेयर स्ट्रक्चर बनाती है जिनको हम क्रिस्टी बोलते हैं, और हेल्प करती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होती है, विस्कस फ्लूड होता है जिसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और इसका खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, और खुद के राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसमें क्या होते हैं, खुद का डीएनए होता है, इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेलुलर रेस्पिरेशन कराते हैं, कैसे कराते हैं, जो फूड होता है फूड का ये क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, फूड का क्या कराते हैं,
ऑक्सीडेशन कराते हैं, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन कराते हैं, किनकी हेल्प से? एंजाइम्स की हेल्प से। और क्या बनाते हैं? CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होती है। अब क्या होता है, जो फूड का अगर ऑक्सीडेशन इन्हें कराना है, तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो ये क्या करते हैं, सेल से ऑक्सीजन लेते हैं और फूड का ऑक्सीडेशन करा के CO2 और एनर्जी रिलीज करते हैं। अब जो CO2 रिलीज हुई है उसको वो सेल से बाहर भेज देते हैं। और तो इस तरीके से क्या हो गया, जब O2 अंदर ले रहे हैं और CO2 बना के बाहर भेज रहे हैं, तो ये कौन सी प्रोसेस होगी? रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी। दे कंटेन एंजाइम नेसेसरी फॉर टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जो ये एनर्जी रिलीज होती है, ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। और ये फिर किस फॉर्म में हो जाती है? ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और इसी वजह से, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। दे प्रोवाइड इंटरमीडिएट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स लाइक फैटी एसिड, स्टीरोइड, अमीनो एसिड, क्लोरोफाइल एटसेट्रा। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे केमिकल्स के सिंथेसिस के लिए। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये भी सेल ऑर्गेनेल हैं जो डबल बाउंडेड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में इनका कोई रोल नहीं होता, इसलिए एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। और इनके पिगमेंट्स के टाइप के बेसिस पे इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं और क्रोमोप्लास्ट ब्राउनिश टू रेडिश इन कलर होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना। और स्टोरेज जो प्रोडक्ट होता है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हुए इनको तीन टाइप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है अमाइलोप्लास्ट, जो किसको स्टोर करता है? स्टार्च को स्टोर करता है। सेकंड है एलुरोप्लास्ट, जो प्रोटीन को स्टोर करता है। थर्ड है अलाइओप्लास्ट, जो ऑयल को स्टोर करता है। अब जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, वो भी उसके भी दो सब टाइप्स होते हैं, नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट जो फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव होते हैं और वो कलर में रेड हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसमें पाए जाते हैं? ये क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में पाए जाते हैं। अब जो ग्रीन क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों होते हैं ग्रीन कलर के? क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट में कौन पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और वो क्लोरोफिल क्या करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अब हम जो क्रोमोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट है उसको पढ़ेंगे। इसको हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, किसकी प्रेजेंस की वजह से होते हैं? क्लोरोफिल की प्रेजेंस से। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ग्रीन लीव्स में, या जो शूट का ग्रीन पार्ट होता है उसमें। और ये किसकी साइट्स हैं? फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। किसकी वजह से होती है? क्लोरोफिल की वजह से होती है। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फ्लैटन सैक, मतलब एक थैला सा बनाती है, और उसको क्या बोलते हैं? थैलेकोइड्स। या ये क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या कंज्यूम करते हैं? CO2 कंज्यूम करते हैं, और लिबरेट क्या करते हैं? O2 लिबरेट करते हैं।